the next day. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. ये ना स्टैचू बनाया हुआ है यहाँ पे, अच्छा पूरा ना घास से बनाया हुआ है, मतलब पूरा पार्क जैसा है। कुछ रोड और ऐसे टोटो लगे रहते हैं यहाँ पे, तो हमें यहीं जाना है। काफ़ी सारा होटल ढूंढने के बाद हम खाने का ढूंढ रहे थे यहाँ पे, तो सब रेस्टोरेंट जैसा दिख ही नहीं रहा था। ढूंढने के बाद कुछ मिला है, देखते हैं खाने जैसा है कि नहीं, क्योंकि टाइम लेट हो गया है ना, तो बंद हो जा रहा है जल्दी। हम तो बीच की तरफ आ गए हैं, बस ये बीच है सामने। एक रेस्टोरेंट मिला है, एक होटल मिला है, होटल साइक का, वहाँ पे हम आए हैं। उसका मेनू कार्ड कुछ ऐसा है, वेज नॉन वेज दोनों ही है, हमने वेज ऑर्डर किया है, पंजाबी भी है तो वैसे तो कोई इश्यू नहीं है। दाल फ्राई भी है, जीरा राइस, एक जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही है। पंजाबी मिलेगा तो आप अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सलाड ना वो सब है, ओनियन वो अलग से आपको लेना है। फिश का, अगर आप फिश खाते हैं नॉन वेज तो फिर आपको ऑप्शन में ज़्यादा मिल जाएगा। यही कुछ है, ये ऑर्डर आया था, पहले खा लेते हैं फिर बाहर जाके आपसे बात करते हैं। यहाँ भी ये सब शॉप है ना, ये सब सारे शॉप है, आपको गिफ्ट या ऐसा ही कुछ लेना है ना उसके लिए है। ये बीच है ना, इसीलिए यहाँ समंदर से जो भी मिलता है उसी से ये लोग बना के बेचते हैं, तो ये सारा शॉप उसी का है, वहाँ से लेके वहाँ तक। हम काफ़ी चल के आए हैं, रात का कुछ नज़ारा ऐसा है। यहाँ बीच की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा तो ठीक है, मैं शूट करके बता दूँगा, अदरवाइज़ कल तो हम आने ही वाले हैं तो दिन में थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। हमने खाना तो खा लिया है, ठीक ठाक था, खा सकते हैं क्योंकि टाइम लेट था ना, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 5:30, और आप देखिए कितना अंधेरा हो गया है, सब लाइट चालू हो गया है। यहाँ ऐसा ही है, यहाँ शाम के टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे ना 2 दीघा है, एक जहाँ पे हम आए हैं वो एक दीघा है, और एक है ओल्ड दीघा, वहाँ पे मार्केट है, और न्यू दीघा जो है ये वाला, यहाँ पे आपको नहाने का है। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड दीघा में, तो यहाँ पे ऑटो से बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ही प्राइस कह रहे हैं, बार्गेन करके हम चलते हैं ओल्ड दीघा, और वहाँ जाके फिर आपको बताता हूँ मार्केट कैसा है। यहाँ से सीधे जाएंगे ये वाले रोड से, तो नहाने का है न्यू दीघा। बाकी ये सब ऑटो यहाँ खड़ा है, इधर भी वो टोटो खड़ा है, चौराहा है, हम छो गए माता जी। यहाँ से उसका एंट्रेंस, पार्किंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, पर हम तो टोटो लेके आए थे तो दिक्कत नहीं हुआ, पर 150 लिया है, तो हमने वहाँ से टोटो करवाया था, तो ये कुछ 7 किलोमीटर जितना है, पर मुझे लगा नहीं, पर 5 जितना तो होगा ही, तो उसका उन्होंने हमसे 150 लिया है, ठीक है इतना तो इनफ है। अभी आए हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। छोटे बच्चों के लिए मस्त जगह है, इधर रिमोट वाला गाड़ी भी चलता है, मज़ा आ जाए बच्चों को। तो दीघा भी यहाँ लिखा हुआ है, आई लव दीघा। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कैसा दिखता है वहाँ से। बाकी यहाँ ठेले वाले हैं छोटे मोटे, ऐसा कुछ रात का नज़र, रात को ही अच्छा लगेगा, दिन को क्या धूप होगा ना तो पब्लिक भी कम होगा। ऐसा कटलरी वाले ज़्यादा है, बच्चों के लिए ये गाड़ी ज़्यादा है, बाकी और कुछ लेने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप आके बैठो यहाँ पे। वाओ मोमोज, अगर आप मोमोज खाना चाहते हैं तो वाओ मोमोज यहाँ पे है। Oh, my God.
जंगल लेना है तुझे? जंगल मम्मी कितने का है? कितना? 100 रुपया। ये रात का टाइम इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो बहुत अच्छा हवा चल रहा है और यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ नज़ारा यहाँ से। पानी भी तेज़ आ रहा है, कल यहाँ पे ही नहाने आएंगे हम। रात का टाइम है इसलिए ज़्यादा आगे जाने नहीं दे रहे, पर कल आएंगे सुबह। कितने वाले है भैया? 110 रुपये। कहाँ लगाएगी? टांगने वाला मैं। यहाँ पे ये पर्स है, ऐसा कुछ पर्स है, इसका 100 रुपीज़ है। अच्छा ही है, काफ़ी सारे वैरायटी है ऐसे तो उनके पास, बहुत सारे हैं। ये वाला हम देख रहे थे तो उसका 100 रुपीज़ बोला था उन्होंने। बस ये बिल्कुल बीच के ऊपर ही सब बैठे हैं, तो आपको ऑप्शन भी बहुत मिल जाएगा और वैरायटी भी बहुत मिल जाएगा। पूरा लाइटिंग किया हुआ है, तो अभी ऊपर से वहाँ से हमने पर्स लिया था और नीचे बहुत सारे ठेले वाले खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये सब। मैं यहाँ बार्गेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गरीब है, क्या बार्गेन करोगे यार, इतना क्या ही कमा लेंगे ये लोग भी। तो अभी हमने ये किचन लिया है और अभी थोड़ा सामान देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे गाना बज रहा है ना, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, वरना कॉपीराइट आ जाएगा फिर। डस्टबिन भी अच्छा लगा के रखा है, सब अच्छा अंदर डाल ही रहे हैं कि जितना साफ़ रहेगा उतना अच्छा है ना। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन में, क्योंकि आज दिन है दूसरा हमारा दीघा में। और अभी हम जा रहे हैं जो न्यू बीच है ना, वहाँ पे जा रहे हैं दीघा का। कल हम गए थे वो ओल्ड पे गए थे और आज जा रहे हैं वो न्यू पे जा रहे हैं, तो वहाँ नहाने का इस तरफ है। वहाँ पे सिर्फ आप बैठ सकते हो ओल्ड में, क्योंकि वो काफ़ी डीप है और यहाँ पर आप नहा सकते हो। तो अभी वहाँ पर ही जा रहे हैं, अभी फ्रेश हो गए, नहाए नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नहाना था। फिर आके फ्रेश होके फिर देखेंगे क्या करते हैं। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ वहाँ पर कैसा माहौल है। ये हमारा कुछ होटल था ऐसा, जो मैंने आपको कल रूम टूर दिया था ना, तो यही था। इसका 3000 लिया है उन्होंने पर नाइट का। ये उनका पार्किंग स्पेस है, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो आप गाड़ी भी अच्छे से पार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन गेट भी है और ऐसे टोटो है, तो टोटो हम बुक कराया है कल से, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो हमने यही बुक कराया है और इसी में हम जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 1 किलोमीटर का है, पर धूप थोड़ा तेज़ है ना, तो सोचे कि चलो उसी में चले जाते हैं। उदयपुर बीच है वहाँ पहुँच गए हैं और धूप इतना है ना, इसलिए फिर मैंने चश्मा पहन लिया है, क्योंकि इतना धूप में फिर बोलने से ना मेरा आंखें बंद हो जा रहा है। तो इसीलिए अभी देखते हैं। 100 रुपया लिया है अपने होटल से, ज़्यादा डिस्टेंस होगा नहीं, 3-4 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होगा नहीं। और यहाँ छोटे छोटे सब स्टॉल लगे हुए हैं।
तो ऐसा छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, एटीएम भी है, ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाने पीने के लिए और चश्मे के लिए अगर आपको लेना है गॉगल्स के, वो बस उसके लिए ही है। ज़्यादा स्टोर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा आउटर में है ना, इसीलिए। अदरवाइज़ आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गूगल्स के ही शॉप है। अच्छा है, देखते हैं। यहाँ बोलता है कि जेट स्कीइंग ना बोट राइडिंग होता है, तो अगर होता है तो हम वही करेंगे, क्योंकि हम तो जब लास्ट टाइम गोवा गए थे तब किए थे, तो उसके बाद फिर अभी कर रहे हैं, तो देखते हैं। थाईलैंड में किया था पर इतना ठीक था, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। बाकी ऐसे खाने के छोटे छोटे स्टॉल ही है। चलिए पहले चलते हैं बीच पे, यहाँ से मुझे दिखने लगा है। यहाँ से नीचे जाना है, साइड में से जाना है, फिर सीधे आप जाएंगे तो डायरेक्ट आप समंदर के वहाँ जाएंगे, साइड में आएंगे तो ये बोट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आप जा पाएंगे। तो कुछ ऐसा है नज़ारा, ये तो गोवा वाला ही फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, पर एक है कि यहाँ पे प्राइस कम होगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक से दिखेगा आपको। स्टॉल जो बताया मैं आपको वो ऊपर लगे हुए हैं, और हम आए हैं नीचे वाले एरिया में, वहाँ पे बोट राइड भी कर रहे हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ रेट कितना है क्या है। ये आंटी मेरे से बंगला में बात कर रही है, अब उनको ये नहीं पता है कि मुझे आता नहीं है बंगला, और अब सबको मैं कहाँ बोलने जाऊँ कि हिंदी बोलिए, तो ऐसा ही है। मैं वो बोलते हैं तो बोलने दे रहा हूँ, वो बोलते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, क्या बोलूँ अब उनको, मुझे नहीं आता है बंगला। और ये पार्टी जो है ना वो हमें गाइड कर रही है, और वो पार्टी फुल बम है, पार्टी से बोला भी नहीं जा रहा है, और पता नहीं वो हमें गाइड करने के हिसाब से चल रहा है। देखते हैं क्या क्या है आगे। बोर्ड तो दिख रहा है, एक बनाना बोर्ड तो मुझे दिखा, गाना बज रहा है ना तो कॉपीराइट शायद आएगा, तो इसमें मैं म्यूज़िक डालना पड़ेगा मुझे। ये गाना बज रहा है ना तो इसीलिए मुझे कॉपीराइट आ सकता है वीडियो में, तो इतने हिस्से में मैं फिर म्यूज़िक डाल दूंगा। वैसे भी यहाँ इतना आवाज़ आएगा पानी का तो फिर वैसे भी नहीं हो पाएगा। बाकी ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा के रखे हैं, टेबल भी है अगर आपको बैठ के खाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना यहाँ रहेंगे तो भूख तो लगेगा ही। देखना पड़ेगा खाने में भी क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी प्राइस का या मुझे दिख नहीं रहा है कहीं काउंटर के कहाँ पे है। ऐसे पानी के बीच में ना आपको टेबल लगा के देंगे और फिर खाने का ऑर्डर लेंगे। खाना भी मतलब क्या, थोड़ा बहुत नाश्ता जैसा ही होता है, प्रॉपर तो नहीं होता है। और देखिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। ये है उदयपुर बीच, अभी वो न्यू वाले बीच पे जाना हमारा बाकी है, और सुबह सोचे पहले यहीं आ जाते हैं, तो ऑटो करके आ गए थे। 100 रुपीज़ लिया था 3-4 किलोमीटर का। और कल जो हम गए थे वहाँ पे ओल्ड वाले में, ओल्ड दीघा में, तो वहाँ पे उसने 150 रुपया लिया था न्यू दीघा से ओल्ड दीघा तक का। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का, लोकल ज़्यादा है, बाहर से तो बहुत कम लोग हैं। ऐसा ही थाईलैंड में करके रखा था, जो फिफी बीच है ना वहाँ पे ही, तो सेम ऐसा ही करके रखा था, उसको भी अब टूरिस्ट प्लेस कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, तो ज़्यादा लोग आते हैं। और अभी दिवाली का माहौल है ना इसीलिए, और सुबह का टाइम है, अभी जैसे जैसे दिन जाएगा ना वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे खाने के लिए ना सब आपको मतलब सी फूड ही मिलेगा, वेज तो बहुत कम ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये भैया टेबल लगा के खड़े हैं यार, 150 हुक्का 300। ऑक्टोपस भी है, केकड़ा है, मछली है, झींगा है, खराब ना गिरे ये बना के देते हैं। एक्चुअली आप उनको मतलब बोलेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपको बना के फिर आपको सर्व करेंगे टेबल के ऊपर। ऐसा कुछ है यहाँ तैयार नहीं होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको क्या बनवाना है।
ऐसा नहीं है कि चाइना वाले ही सिर्फ डुप्लीकेट बना सकते हैं, इंडिया वाले भी एक्सपर्ट है। मैं आपको बताता हूँ, ये बिस्लेरी का बॉटल है, बिस्लेरी ब्रांड, उसको बनाने में कितना मेहनत लग गया। और यहाँ देखो, हर एक जगह पे जाते हैं ना, एक नया बिस्लेरी का स्पेलिंग वाला बॉटल मिल जाता है। तो ये इंडिया है। तो अभी जो हम जाके आए हैं वहाँ पे, जो अभी गए थे उदयपुर बीच पे, तो वो एक्चुअली उड़ीसा का बॉर्डर लगता है। और अभी हम आ गए हैं दीघा न्यू बीच पे। देख रहे हैं कैसा है, पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं नहाने का भी जगह है कि नहीं वहाँ पे। ऐसा एंट्रेंस है, यहाँ से हम आए हैं, यही लेके आए थे। 100 रुपया लिया था उन्होंने, जाते वक्त बड़ा ऑटो था, रिटर्न में हमने टोटो लिया था। यहाँ पे ना ये नारियल बहुत दिखता है, मतलब ज़्यादातर नारियल का ही शॉप है, क्योंकि बीच है ना, तो और तो क्या ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ खाने का यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, बस ये एक कैंटीन जैसा कुछ है बस, बाकी ज़्यादातर तो ऐसा ही है, आइसक्रीम है और नारियल है, और ये खिलौने विलौने का थोड़ा शॉप है। अभी नहा लिया, मैं फ़ोन अंदर नहीं ले गया था क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा था और भीग जाएगी इसीलिए। तो हम लोग ना ऐसे ही गए थे, तो फ़ोन छोड़ के तो अंदर का तो नहीं किया मैंने, बाहर से आपको बता दिया है। तो अभी हो गया है, अभी चल के जा रहे हैं होटल, वहाँ पूल में थोड़ा नहाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे खाने के लिए। धूप थोड़ा ज़्यादा है, 12 के आसपास बज रहा है, ठीक है, और धूप थोड़ा तेज़ हो गया है। तो अभी हम निकल गए क्योंकि पब्लिक भी ज़्यादा हो गया था, सुबह के टाइम आते हैं तो कम रहता है पब्लिक, पर अभी दोपहर का टाइम है ना तो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम निकल गए। फिर अब पब्लिक ज़्यादा हो गया, मज़ा नहीं आ रहा था, तो भी काफ़ी किया, एक घंटे के ऊपर हो गया है, सभी होटल की तरफ जा रहे हैं। बज रहा है 2 और अभी हम लोग वहाँ से बीच से, जैसे आपको मैंने बताया ना, हम लोग आए थे फिर नहाए, ऊपर पूल है तो उसमें भी नहाए, उसके बाद फिर अभी रेडी होके नहा धो के हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि 2 बज रहा है, फिर लेट होता है ना, फिर जल्दी ऑप्शन होता नहीं है खाने का। देखते अभी खाने में का क्या मिलता है, मार्केट है, बहुत सारा मिल जाता है, वो दिक्कत नहीं है, 10-20 रुपया लेते हैं जाने के लिए पर पर्सन, तो ऑटो या टोटो मिल जाता है ऐसा, ये वाला या फिर ये वाला, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी जा रहे हैं, फिर आएंगे, फिर देखते हैं आज कहाँ घूमते हैं, बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं, वही जो मैंने आपको बताया कल हम गए थे ओल्ड दीघा, अभी जो गए थे वो न्यू दीघा, और सुबह जो गए थे हम लोग उदयपुर, मतलब उदयपुर बीच, तो यही कुछ है। तो चलिए अभी पहले चलता हूँ होटल, आज दूसरे होटल जाएंगे, जो कल गए थे ना वो होटल नहीं जाएंगे, आज दूसरे होटल जाके देखेंगे वहाँ कैसा है। क्योंकि ये होटल पर हम आए हैं मित्रा कैफ़े, देखते हैं अंदर कैसा है, देखते हैं दूसरा अपना मिलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बांग्ला फाता नहीं है सब्जी। अच्छा, तो देख के तो अच्छा ही लग रहा है, ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है यहाँ पे खाने, देखा ना ये कैसे सजाया हुआ है, देखिए ये वाला बहुत अच्छा अच्छा सजाया है, खड़े रहिए।
यही रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़े हैं और यहीं पे हमने खाना खाया है। और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट बीच के बाजू में ही रेस्टोरेंट है। फूड काफ़ी अच्छा था, पर दिक्कत ये हुआ कि उनके पास कोई भी रोटी नहीं था, नहीं नान था, नहीं बटर रोटी था कि नहीं चपाती, कोई भी नहीं। तो फिर सब्जी मैंने कैंसिल करके फिर फ्राइड राइस ही मंगाया, और तो क्या ही मंगा सकते हैं। तो देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है पीछे से, ऐसा दिखता है इसके होटल की बालकनी से। अभी जो अपने गए थे नहाने यहाँ पे गए थे, बोट भी चलता है आपको दिख रहा होगा। तो अभी भीड़ कम हो गया, सुबह थोड़ा ज़्यादा था। चलिए चलते हैं नीचे। तो ऐसा कुछ होटल है, फर्स्ट फ्लोर पे है ये उसका एंट्रेंस, और ऑलरेडी कार है, और यहाँ से हम लोग आए थे ये वाले जगह से। तो अभी हमारा खाना हो गया है, यहाँ 3,000 जितना बिल आया था, पर ठीक था, फूड अच्छा था। और अभी बस जा रहे होटल पे, और होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। थक गए ना, दो बार नहाए हम, पूल में भी नहाए और बीच के ऊपर भी नहाए। तो अभी होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को थोड़ा निकलेंगे देखने के। The next day. तो एक नई सुबह और एक नया दिन, और आज यहाँ पे हमारा तीसरा दिन है। और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि हमारा ट्रेन है अभी 10:30 का, यहाँ से मतलब दीघा से लेके हावड़ा का वही डिस्टेंस 180 किलोमीटर। तो देखते हैं, यहाँ से अभी चेकआउट कर दिया है हमने, ये होटल था तो यहाँ से चेकआउट कर दिया है। अभी थोड़ा कुछ नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट चले जाएंगे स्टेशन, क्योंकि 10:30 का ट्रेन है और अभी टाइम हो रहा है 9, तो थोड़ा जल्दी निकले हैं। तो वापस वही स्टेशन पे हम आ गए जो 2 दिन पहले यहाँ उतरे थे, दीघा स्टेशन। अभी रिटर्न का ट्रेन है, 10:30 का है, 10 तो बज गए हैं, बस आधा घंटा बाकी है। भीड़ काफ़ी है, मतलब जितना आए थे उतना ही जाने का भीड़ है। आज वेनसडे है, फिर भी इतना भीड़ है ना, अगर आपने बुकिंग नहीं करवाया तो आपको टिकट 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ दिन का 2 ही ट्रेन आता है, तो जो जाने वाले हैं वो इसी के ज़रिए जाएंगे। अभी कुछ ऐसा नज़ारा है देखिए आप, और ये सुबह का ट्रेन है ना, तो ज़्यादातर सब वही प्रीफर करते हैं कि सुबह की ट्रेन में चले जाए। ट्रेन आने वाला है, पर यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर बता ही नहीं रहे कि कौन सा बोगी कहाँ पे आएगा। अब इतना पब्लिक खड़ा है तो कौन कहाँ खड़ा रहेगा, फिर जब आके रुकेगा तब सिर्फ भागम भाग हो जाएगा। देखिए इतना पब्लिक है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर डिस्प्ले के ऊपर हो ही नहीं रहा है। देखिए मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, देखिए ये इनका डिस्प्ले है, ट्रेन आ रहा है, डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इतना पब्लिक कैसे खड़ा रहेगा, जब आएगा तब क्या होगा, फिर ऐसा ही हाल है। कह रहा था ना कि जब ट्रेन आएगा और बोगी नंबर नहीं आएगा तो सब भागम भागी हो जाएगा। देखिए सब लोग दौड़ रहे हैं, क्या करेंगे, सब लोग आगे खड़े थे। फाइनली हम हावड़ा स्टेशन पे आ गए हैं, ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। ये वाला ट्रेन अपना था, हालत देख के आपको लग रहा होगा ये 1.5 घंटा लेट थी ट्रेन, छोड़ना था 2 बजे और छोड़ा है 3:30 बजे, मतलब इंडियन रेलवे की तो क्या ही बोलेंगे। जाते वक्त भी ऐसा हुआ था, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हो गया था, आज भी ऐसा हुआ, 1.5 घंटा ले लिया लेट। भीड़ भी इतना है यहाँ पे, तो चलिए अभी चलते हैं, पहले हमें कैब बुक करना है। इंजन कितना धुआं निकाल रहा है वो आपको दिखाता हूँ, पॉल्यूशन कितना हो रहा होगा। पूरा काला हो गया है यहाँ पे,
कितना पॉल्यूशन हो रहा है, बाप रे। मैंने कल भी आपको दो दिन पहले बताया था जब जा रहे थे कि शायद इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ये जो हावड़ा है कि जहाँ पे ट्रेन स्टॉप हो जाती है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से आती है और स्टॉप हो जाती है और वापस यहाँ से ही चलती है, दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलती है। मुझे पता है तब तक तो ये एक ही ऐसा है। अंदर का कुछ नज़ारा हावड़ा का बहुत बड़ा है, आई थिंक 24 है प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे ना कैब का बहुत झमेला है, जल्दी मिल ही नहीं रहा, मिल रहा है तो दाम भी ज़्यादा है, प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। एक बुक किया है, ये दिख रहा है हावड़ा ब्रिज आपको सामने। एक्चुअली में ये हावड़ा स्टेशन है और ये हावड़ा ब्रिज, इसीलिए इसको बोलते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ये येलो वाला टैक्सी चलता है, जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक वाला चलता है ना, यहाँ पे येलो वाला चलता है। यहाँ रैपिडो भी ज़्यादा चलता है, अगर सिंगल है तो आप रैपिडो ले सकते हो। फाइनली हम लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं, मेरे पीछे आपको लाइट दिख रहा होगा, अभी टाइम हो रहा है 5:15 और यहाँ पे ना 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और सुबह 5 बजे के बाद सनराइज हो जाता है। तो अभी हम निकले हैं, वापस पहुंच रहे हैं, चल के जा रहे हैं, क्योंकि कैब पे हावड़ा से आते आते ही हमारा 2 घंटा लग गया। मतलब जो हावड़ा से घर का डिस्टेंस है वो है आई थिंक 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर में हमें 2 घंटा लग गया, और आते वक्त तो उन्होंने लेट कर ही दिया था ट्रेन ने 1.5 घंटा। तो हम सुबह से निकले हैं 10 बजे से और अभी पहुंच रहे हैं 5:15। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तब जैसे दीघा था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं दुनिया से ना 20-25 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि यहाँ सब ना मतलब कल्चर थोड़ा ऐसा ही है, यहाँ पे सब लुंगी पहन के घूमते हैं, यहाँ भी आज भी वो पैडल वाला जो साइकिल है वो चलता है, फिर वो जो आदमी लेके दौड़ते हैं ऑटो वो भी चलता है, तो मतलब मुझे ऐसा ही लगता है।